देख रहे हैं SMS न्यूज और आपके साथ मैं हूं अंजलि जैन। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य कोयलांचल में भीषण गर्मी की वजह से अधिकतर नदी नाले सूख चुके हैं। इससे इंसानों के साथ पशु पक्षियों को भी पीने के पानी की समस्या बनने लगी, जिसे लेकर परासिया नगर की सामाजिक सरोकार संस्था उड़ान ने एक अनोखी पहल की रखी। आज परासिया नगर वार्ड क्रमांक 1 में उड़ान संस्था के सदस्यों ने घर घर जाकर लगे पेड़ों पर पक्षियों के लिए पानी के पात्र वितरण किए और पेड़ों में बांधे। साथ हर पेड़ों में पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी बनाई। उसी के साथ वार्ड वासियों को जागरूक भी किया गया, सभी को समझाइश दी गई। सभी अपने घरों के सामने पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था बनाए। उड़ान संस्था के संचालक डॉक्टर मधु बत्रा जी ने जानकारी दी कि हमारी संस्था विगत 10 वर्षों से यह अनोखी पहल संस्था द्वारा की जा रही है। कर्ता ने सृष्टि को बनाते समय हमें कई तरह के मौसम दिए हैं। हर मौसम का एक अलग आनंद है, कुछ उससे नुकसान भी होते हैं, कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जिस तरह ये गर्मी का मौसम अपने साथ बहुत अच्छे अच्छे फल, आम, इमली इस तरह की चीज़ें लेके आता है और ठंडे ठंडे शरबत और कुल्फी का आनंद हम लेते हैं, उसी प्रकार इस गर्मी में लू भी हमारे लिए एक अभिशाप जैसे बन जाती है, क्योंकि हम तो अपने लिए पानी का प्रबंध करते हैं, अपने को छाया में रखने का प्रबंध करते हैं, किंतु हमारे पशु पक्षी जो हैं वो बेचारे पानी के लिए कई बार इधर उधर तरसते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि हम पक्षियों के लिए कुछ परैया का प्रबंध करें और उन्हें ऐसे घरों में बांटें जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं और देखभाल करने वाले हमारे साथ। खुशी हो रही है कि आज हमारी उड़ान संस्था के द्वारा पक्षियों के पानी के पीने के हेतु हमने परैया का वितरण किया है। इस गर्मी को देखते हुए पक्षियों की सुरक्षा हेतु हम सभी से निवेदन करेंगे कि आप अपने घर में एक पात्र में पानी अवश्य रखें और पर्यावरण को बचाएं, पक्षियों की सुरक्षा करें। और मांग एक में उड़ान संस्था के द्वारा क्या बोलते पशु पक्षियों के लिए पात्र भर के और वितरण किया गया है। मैं जनता से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप भी अपने घर में पशु पक्षियों के लिए पात्र भर के रखें और उनका ध्यान रखें, और पूरी टीम और पूरी संस्था का मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ।